जब मालूम होता है जवाबदार। विकास यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विकास यात्रा से काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस विकास यात्रा के जरिए हम नगर पालिका क्षेत्रों के हर वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, लोग विकास को महसूस कर रहे हैं। आवास, पानी, बिजली और अधोसंरचना के विकास के काम बड़ी संख्या में सरकार ने किए हैं। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की। नगर पालिका क्षेत्र और बाकी अन्य क्षेत्रों के कुछ कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण विलंब हुआ है और इसके लिए पहला अनुभव मैंने मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थानों में हमारा जाना होता है देश के सभी हिस्सों में। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाप उनकी पार्टी ने किया है और अब वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुलस्ते के अपने लगभग 20 मिनट के भाषण में भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने अधिकांश कुर्सियां पर जनता नदारद थी। जो थोड़े बहुत कुछ लोग थे वो भी शासकीय कर्मचारी ज़्यादा थे। जब उनसे कम भीड़ में भी कॉन्फिडेंस के साथ भाषण देने की कला पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सच्चाई को बोलने के लिए कोई हिचक नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर कोई विषय है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए। लोग विश्वास करते हैं तो उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। कुलस्ते ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के राजनीति से संन्यास लेने के इशारे पर कहा कि उम्र और स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर चिंता करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में यदि आदमी स्वस्थ रहे तो जनता की सेवा कर सकता है। जन सेवा के लिए तो स्वस्थ आदमी ही फिट बैठते हैं। देखिए अब ये ऐसा है, देखिए सच्चाई को बोलने में कोई हिचक नहीं है। मैं हर प्लेटफार्म में बोलता हूँ, देखिए जो सच्चाई है कई लोग संकोच करते हैं, परंतु जो वास्तविकता है उसको तभी देखिए हमारे मन में और लोकतंत्र में अगर कोई विषय है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए। लोगों तक विश्वास अगर कर सकते हैं लोग तो उनके विश्वास उनके भरोसे पर खरे भी उतरते हैं। तो यही है, बाकी तो उसको कहने से कोई फायदा नहीं है, पर जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए संदेश। मैं बहुत संतोष हूं, मैंने जितने पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर गया हूं तो मुझे ध्यान में आया, और मैं इसलिए चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, ग्राम पंचायत हो, मैंने कुछ योजनाओं के साथ लोगों से बातचीत किया, लोगों को कितना लाभ पहुंचा, कितने लोगों को हमने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया, सार्वजनिक हित के काम हुए। लगभग मुझे लगता है कि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग सामान्य तौर से सरकार की योजनाओं के बारे में बात जरूर करते थे, परंतु हमने ग्राम पंचायत वार नगरी क्षेत्रों में वार्ड के हिसाब से भी हम जिन वार्डों में आज मैं दो नगर पालिका क्षेत्रों में जाना हुआ, एक मैं आज छपारा में भी था और यहाँ थोड़ा विलम्ब से पहुँचा, परंतु ये नगरों के अंदर भी हमने देखा है कि जितने बेनिफिशरीज हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचा है। विकास का मतलब यही है कि लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। अब ये जरूर है कनेक्टिविटी को भी हमने थोड़ी बढ़ाया है, लोगों के लिए लोन वगैरह की भी व्यवस्था होती है, लोगों को रोज़गार भी कैसे हम दे सकते हैं, इसके लिए विभिन्न योजनाओं को गांव और शहर तक पहुंचाना ये हमारा मूल जो लक्ष्य था, और इसमें हमने लोगों से बातचीत किए तो उसमें से लोगों को संतुष्टि हुई है। पानी, बिजली और अधोसंरचना विकास के काम ये बहुत बड़ी मात्रा में सरकार ने किया है। मैं तो शिवराज जी को भी कहता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का जैसा बजट में भी इस बार प्रावधान किया है कि गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए ये जो प्रावधान किया है, ट्राइबल क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, लोगों के लिए हम जो अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो कोशिश इस यात्रा के माध्यम से उनको बताने का हमने प्रयास किया है।